बता दें जाति जनगणना पर भी विवाद छिड़ गया है। नीतीश सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि नीतीश सरकार ने जल्दबाजी में जाति आधारित जो जनगणना है उसको प्रस्तुत किया है, जिससे आम जनता आक्रोशित है। खासकर बहुसंख्यक समुदाय हो, फिर क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, अलग अलग जो जाति हैं उसमें भी ओबीसी में भी इस बात को लेकर के आक्रोश देखा जा रहा है। लेकिन इस मुद्दे पर आज पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता अली अशरफ फातमी सामने आए। उन्होंने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि आज देश में 3% लोग हैं जिनके पास 97% संसाधन हैं। ये आंकड़ा उन्होंने जताते हुए दिखाया कि बिहार सरकार को 3% जो लोग जो 97% हैं उन लोगों को भी बढ़ावा देना चाहिए जो अल्पसंख्यक है, यानी कि जो जाति में जो बहुसंख्यक समाज हैं जो अल्पसंख्यक में आते हैं उन लोगों को भी बढ़ावा देना चाहिए। देखिए, मोहम्मद अशरफ फातमी ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नीतीश सरकार द्वारा प्रस्तुत जाति जनगणना पर कहा कि ये एक अच्छा कदम है। पता चल जाएगी तो चाहे वो आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे अति पिछड़ा वर्ग के लोग हों, अल्पसंख्यक में सभी समुदाय के जितने लोग हैं वो हों या ऊंची जाति के लोग हों, इन सब के लिए जो बिहार सरकार डेवलपमेंट के काम करती है और खास तौर से जो दबे कुचले समाज को उठाने का काम करती है, उन गरीब लोगों के लिए फैसले करने में आसानी है। और एक अच्छी सरकार, एक काम करने वाली सरकार, एक न्याय देने वाली सरकार वही है जो समाज के कमजोर तबके को आगे लेकर चले, उसको आगे बढ़ाए। आज भी आज गांव के अंदर चले जाइए, आज देश तो मैंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तकरीबन 3% लोग हैं देश के अंदर बिलियनर मल्टी बिलियनर, जिसके पास हिंदुस्तान की तकरीबन मोटरसाइकिल चल रही है गरीबों के यहाँ, उसे पेट्रोल भी चाहिए, तो आमदनी जब तक नहीं बढ़ेगा। और आज भी हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है, आज भी इस मुल्क के अंदर एक बड़े इलाके में हेल्थ की सुविधा नहीं है जो होनी चाहिए, शिक्षा की सुविधा नहीं है जो उसकी आबादी के बीच में मिलनी चाहिए नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। आप मकान चले जाओ, मकान बन रहे हैं जरूर, लेकिन अगर उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे देखोगे, यूरोपियन स्टैंडर्ड पे देखोगे, या आज जो विकसित राज्य है दुनिया के अंदर उसके मुकाबले में देखोगे तो बड़ी बुरी बात है। तो जब तक के दौलत का बंटवारा आम लोगों के बीच में नहीं होगा, तब तक ये मुल्क सही माने में तरक्की नहीं करेगा। तो ये जो आ गया अब एक जो जातीय गणना हुआ, इसके आने के बाद गरीब लोगों के डेवलपमेंट का रास्ता क्लियर होगा और ईमानदारी सरकारों को ध्यान देना चाहिए, चाहे वो बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, कि इनके लिए कार्यक्रम बना, कैसे इनको शिक्षा में आगे बढ़ाना है, इनकी दौलत कैसे बढ़े, इन गरीब लोगों के अंदर भी बिलियनर हो मल्टी बिलियनर तो छोड़ दो, लेकिन इनकी रहन सहन, इनका उठना बैठना अच्छा हो सके, इसके लिए कार्यक्रम बने।
और इसका मकसद कहीं किसी को नीचा दिखाने का, कम दिखाने का, कम करने का नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि जो जिसकी आबादी बहुत कम है उसको भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, अगर वो कहीं ना कहीं पीछे रहता है।